स्टूडेंट्स, ये 3.2 एक्सरसाइज 11 क्लास 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग वाले सम्स हमने इसके दो पार्ट बना दिए हैं एक्सरसाइज 3.2 के, क्योंकि उसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन भी था। तो अगर मैं 7th क्वेश्चन को देखता हूँ, तो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर अगर मैं माइनस आ गया है, तो माइनस के लिए मैंने बताया कि सिर्फ कोस और सेक, अगर कोस माइनस थीटा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक सेक माइनस थीटा है तो वो पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा और इंटरवल में ब्रेक करूँ, तो ये मुझे देता है 360 इंटू 4 एंड माइनस 30 डिग्री। यू कैन सी 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। अब देख लो, इसको चेक करो, माइनस 30 यू विल गेट 1410। अब आते हैं यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि कोसेक, अगर मैं बात करता हूँ, आप समझना इस बात को कि 360 इंटू 4 मतलब कि ऐसे गया 1, 2, 3 एंड 4, 360 एंड माइनस 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो मतलब ये फोर्थ कोसेक है, 360 है, चेंज नहीं होगा, कोसेक ही रहने वाला है। ये 30 डिग्री होगा, लेकिन जो यहाँ से वैल्यू आएगी कोसेक 30 की वो नेगेटिव आएगी। रीजन कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, राइट। अब करना क्या है, यहाँ दो माइनस हो गए, प्लस हो गया, कोस 30 की वैल्यू होती है 2 आपके हाथ में आंसर। तो एक सिंपल सी अप्रोच है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन की है, बिल्कुल वही अप्रोच यहाँ पर फॉलो कर रही है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जब भी हमारे पास रेडियन में कोई वैल्यू दी हो, तो हमारा काम यही है कि सबसे पहले आप उसको चेक कर लो कि ये एक्चुअली में क्या है, इट इज दिस वन। और अगर मैं 1140 को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, तो 360 इंटू 3 एंड प्लस 60 ये मिल जाएगा। अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये बिल्कुल 1140 बैठेगा, 1140। तो इट मीन्स कि अगर मुझे वापस इसको रेडियन फॉर्म में ही लिखना है, बाय द वे, तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 पाई एंड प्लस पाई अपॉन 3, राइट। अब यहाँ पर आते हैं, अगर हम बात करें 3 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 1, 2, 3 एंड प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस होता है, तो टेन भी प्लस ही रहेगा, और टेन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, नेक्स्ट वाला क्या कहता है अपना, नेक्स्ट में माइनस 11 पाई अपॉन 3 है। माइनस 11 पाई अपॉन 3 मीन्स कि माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं जब भी ऐसा माइनस लिखा हो। अब यहां पर आते हैं, साइन 11 पाई, 11 पाई क्या बनता है, 11 इंटू 60, तो इट इज 660। और अगर मैं 360 की बात करता हूँ, तो 360 इंटू 2 720 माइनस 60 यू विल गेट 660। तो इट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली इन रेडियन, 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई अपॉन 3। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, 1, 2 और जाहिर सी बात है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर एंट्री मारेगा, तो इट मीन्स एक माइनस आपको यहाँ से भी मिलने वाला है। तो ये माइनस, एक माइनस यहाँ से आ गया, प्लस और साइन पाई बाय 3, तो ये √3/2 आपको वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से आप किसी भी, कितना भी बड़ा एंगल हो, उन सभी की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। इसमें एक और सम है, वो भी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोट माइनस 15 पाई अपॉन 4। जैसे ही माइनस आ गया आपको पता लग गया कि माइनस बाहर आ जाएगा, 15 इंटू एक्चुअली 45 है, अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करता हूँ तो ये मिल जाता है 675 डिग्री।
675 डिग्री का मतलब है कि अगर आप 360 इंटू 2 करते हैं तो आपको 720 मिलता है, और अगर उसमें से अगर आप 40 माइनस कर दें तो डेफिनेटली आपको 675 ही मिलेगा। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि 4 पाई कर दीजिए आप, माइनस पाई अपॉन 4 कर दीजिए, 4 पाई मैंने 360 इंटू 2 को बोल दिया है और पाई बाई 4 45 के लिए। अब यहाँ पर आते हैं, सो माइनस कॉट, अब ये 2 पाई इंटू 2 है एक्चुअली, अगर आप इसको देखते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ऑब्वियसली अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया, दूसरा भी पूरा कर गया तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में चला गया माइनस, तो यहाँ पर कॉट भी माइनस में होता है, एक माइनस यहाँ से आ गया, एक माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस चला जाएगा, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली निकाल सकते हैं, जब आप इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बार मैपिंग दिमाग में सेट हो जाएगी कि किस तरह से चलना है और आप इजीली कर पाएंगे। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली वी विल लर्न रिलेटेड टू द आइडेंटिटी एंड वी विल ड्राइव सम गुड आइडेंटिटीज related to sum and difference of two angles, right? So keep watching videos. I hope definitely these videos will help you to get lot of information.